जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर जी अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7, ठीक है, जिसमें टाइप 19 और 20 पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट टाइप होगा, ठीक है। 20 टाइप के क्वेश्चन हम आज पढ़ चुके होंगे, तो आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। सवाल टाइप 19 का है, खड़े राम एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर ख़रीदा होता तो 55 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 40% का लाभ होता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, पहले जितने में ख़रीदा था ना तो उसको 10% यानी 90 में बेचा होगा, और कह रहा है कि अगर वह 20% कम खरीद कर में ख़रीदा होता, यानी अगर 100 में ख़रीदा है तो 80 में ख़रीदा होता और 55 रुपये और एक्स्ट्रा लेकर बेचा होता तब 40% का लाभ होता, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं वो हमारा सी पी था यक्स, ठीक है, इसको 90 में बेचा है ना, पहले हमारा विक्रय मूल्य इतना था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 55 रुपये और अधिक ले लिया होता, यानी 55 रुपये और जोड़ देंगे इसमें तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है, लेकिन इस समय जब 55 एड करता है तो क्रय मूल्य कितना होता है, 20% कम ना, यानी यक्स का 80% ये होता है हमारा क्रय मूल्य, तब कितने का लाभ होता है, 40% का ना, यानी 140, ठीक है, समझ में आ रही थी बात। यानी ये जो विक्रय मूल्य है ये कितने के बराबर है, यक्स के 140 के बराबर है, ये तो इतना बेचा है तो 140% का लाभ होता है, तो इस दोनों बराबर हो गए। अब इसको हल कर लीजिए बस, ठीक है, इसको काट लीजिए, रहने दीजिए, इसको मत काटिए, इसको काटिए, 0 0 कट गया और 0 0 कट गया, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 8 112 112 या 132 100, गुणा जाएगा 10 का 10 में 100 हो जाएगा। ये देखिए इसको इधर भेज लीजिए ना, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस इधर आएगा तो 90 x, ठीक है, अब 3200 ये बच गया 55, क्लियर है इतना। हमने इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो घटाने में आसानी रहेगा, ठीक है, घटाइए तो कितना आएगा 22 x 3200। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 55 है, देखिए इसको इससे काट सकते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 2 22 11 5 55, 5 को उधर भेज दीजिए, इसको भी काट लीजिए, 50 बार में कट जाएगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा तो ये कितना आ जाएगा, 250 x 250, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, इसका टाइप भी लीजिए, टाइप 19 है ये, ठीक है ना। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 25% कम में खरीदकर 25 रुपये कम पर बेचता तो भी 25% का लाभ होता ना। तो मान लीजिए वो 100 रुपये का था सामान और 25% लाभ पर बेचा, यानी 125 में बेचा होगा। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 25 रुपये कम में ख़रीदा था, यानी यक्स का सामान था इसको 75 में ख़रीदा होता और 25 रुपये कम पे बेचा होता, पहले 125 में बेचा था, अब 25 रुपये कम में बेच रहा है ना, तो भी उसको 125 यानी 25% का लाभ होता है, यानी 125, ये ना समझ में आ रहा है, समझिए एक बार और। मान लीजिए वो 100 रुपये में ख़रीदा था तो उसको 125% पे पहले बेचा, ठीक है, फिर कह रहा है कि 25% कम में बेचा होता, यानी यक्स का सामान था, 25% कम में बेचेंगे यानी 75 में तो बेचेंगे। फिर कह रहा है यदि वो 75 में बेचता है और यहाँ पे 25 रुपये कम में बेचता है ना, यानी 125 में बेचा था तो 25 घटा लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 25% के लाभ यानी 125 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक काट लीजिए इसको, 25 3 75 25 4 100 25 25 125 25 4 100 गुणा करेंगे 5 3 15 15 x 32 16 ये काटेंगे 25 125 25 4 100 यानी 5 x
बट्टे चार, इसको इस साइड भेज दीजिए तो माइनस का 15x/16, इसको इस साइड भेज दीजिए तो माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, इसको मिटा लीजिए। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16 आ जाएगा, चार से भाग देंगे, चार चार पंजे 20x-15x=25। 16 को इधर ला लीजिए, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x 25 × 16, 5 से काट लीजिए 5 बार में, x = 80 रुपया। एंजॉय हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है ना। अगला सवाल है ये टाइप 20 है, ठीक है, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति दो प्रकार की टॉफी खरीदा ना, पहली टॉफी हो गई या दूसरी टॉफी, ठीक। कह रहा है कि एक को 22 रुपया प्रति किग्रा और दूसरी 26 रुपया, मान लीजिए 22 रुपया प्रति किग्रा, ये 26 रुपया प्रति किग्रा है। फिर क्या कर रहा है, को 6:6 इनका रेशियो दिया है, इतने में खरीदे हैं, और कह रहा है इस प्रकार की टॉफी को, बड़ी टॉफी को 24.50 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचता है, यानी दोनों का मिश्रण करके 24.50 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो कह रहा है दशमलव के दो स्थानों तक लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली टॉफी मान लीजिए 6 केजी है और दूसरी टॉफी 5 केजी है, ठीक है। तो 1 केजी का दाम 22 रुपया, तो 6 केजी का दाम कितना रुपया, गुणा करना पड़ेगा ना 6 से, और फिर इन दोनों 26 रुपये वाला जो है 5 केजी है, इसको भी गुणा कर लीजिए, दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल हमारा कितना है ना, टोटल कितने में खरीदें वो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, इसको गुणा करेंगे आप तो 22 × 6 = 132 + 26 × 5 = 130, जोड़ लीजिए दोनों को, 13 × 26 = 262 रुपया, ठीक है। ये हमारा हो गया इतने में ख़रीदा था, ये CP हो गई, ठीक है। कह रहा है 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, टोटल मिश्रण हमारा कितना हो गया, 6 × 5 = 11, जोड़ेंगे 11 ही तो आएगा, तो 11 KG मिश्रण है, 1 KG का दाम है 24.50, तो टोटल SP कितना हो जाएगा भैया, ये CP हो गया और ये SP हो गया। तो 11 से गुणा करने के लिए आपको बताए थे, कैसे गुणा करेंगे, शुरू और लास्ट का लिख लीजिए ना, 2 0 आ जोड़ लीजिए बस, ठीक है, 5 4 9, ठीक है, पहले तो ये दोनों जोड़िए, 5 5 4 9 और 4 2 6 और 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है गुणा कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। तो ज़रा देखिए 262 में ख़रीदा था और 269 में बेचा है, तो लाभ हुआ ना, तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो लाभ हमारा मालूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये 7.50 का लाभ हुआ, कितने पे, 262, आ कितना परसेंट, 100 का गुणा कर दीजिए, क्लियर है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका दशमलव हटा लीजिए ना, तो 750/2 = 6, ठीक है, 2 से काट लीजिए पहले, 2 से काटेंगे इसको तो 2 3 6, ठीक है, यहाँ पे एक बचा, 214 2 5 10, 2 × 2 2 3 6 2 × 2, फिर इसको काट लीजिए, इसको जब काटेंगे आप कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो 2.86%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो दोस्तों
आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। इसके 20 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप, सॉरी अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।